हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, दमदार तरीके का टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इंग्लिश के अंदर आया है, हिंदी में तो मुझे मिला नहीं। मैंने यूट्यूब पे इसको सर्च करके देखा, बट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा मुझे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग है और इसके अंदर मार्वल की बहुत ही सटीक प्लानिंग दिखती है, क्योंकि आपने यही टीजर एंड क्रेडिट यानी सेकेंड एंड क्रेडिट ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी देखा था, जहां पर वो बहुत ही नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस करता है। क्योंकि यहां पर ये दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए स्पेल बाला था, जो कि गलत हो गया था, उसके बाद कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई थी जो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को भी समझ में नहीं आई थी। और वो गड़बड़ क्या है वो हम इस टीजर में देखते हैं, और वो है दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑल्टर ईगो, जो कि एक डार्क रूप में हमें दिखता है, जो एक वाला रूप लेके आता है। और ये प्लानिंग जो यहाँ पर दिख रही है मार्वल की, वो बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हम वैंडा विजन, जो कि मैजिक करना जानती है, वो उसको कैसे हेल्प करती है वो दिखेगा। और सेकेंडली, अगर आपने व्हाट इफ देखा हो, व्हाट इफ के अंदर आपने देखा था कि वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाना चाहता होता है, तो वो स्पेल्स को मिसयूज करता रहता है, बार बार पावर्स को हार्नेस करता रहता है, जिसकी वजह से एक डार्क साइड ऑल्टर ईगो ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज भी बन जाता है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर सारी पावर्स समा जाती हैं। अब यहाँ पर भी हमें यही दिखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऑल्टर ईगो है जो उसको चैलेंज करने यहाँ आता है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये होगी कि हमें एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर दिखने वाला है, और उसमें अब कौन जीतेगा वो देखने वाली बात होगी। व्हाट इफ में हम ऑलरेडी इसका एक रूपांतर देख चुके हैं, तो ये बहुत क्लियर हो रहा है कि मार्वल ने जितने भी बीच में ये जो टीवी सीरियल्स टाइप एपिसोड्स बना बना के हमारे को सीड करे हैं, चाहे वो एनिमेशन की फॉर्म में हो, चाहे वैंडा विजन की फॉर्म के अंदर हो, चाहे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ऊपर हो, चाहे अभी रिसेंटली आया हुआ हॉक आए हो, इन सब का कुछ ना कुछ लिंकेज वो आने वाली फ्यूचर मूवीज में भी यूज करेंगे। और ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर अब हम बहुत सारे टीम अप्स देखने वाले हैं, जैसे कि वैंडा विजन का अब हम टीम अप देखने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, और इससे पहले हमने स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को तो देखा ही था और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। जो उसकी टोनैलिटी है टीजर की, वो बहुत ही ज्यादा डार्क वैसी रखी गई है, और डॉक्टर स्ट्रेंज जिस रूप में हमें दिखते हैं, एक साइड तो वैसा ही है जिसके अंदर आप बहुत सारा मैजिक देखेंगे, स्पेल्स देखेंगे, और दूसरी साइड बहुत ही डार्क है। जैसे ही डार्क साइड ऑल्टर ईगो ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज आती है, स्काई से लेके पूरा सनशाइन जो है सब कुछ हाइड हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो ऐसा दिखाया जाता है कि एक गुड फोर्स है और एक बैड फोर्स है, और वो दोनों मिलके अब क्या धमाल मचाएंगे, कौन जीतेगा वो हमें देखना होगा। क्या स्टोरी का कोई एंड भी होगा, या इसको इस तरीके से बीच में छोड़ दिया जाए कि दो डॉक्टर स्ट्रेंज को एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप कॉमिक्स के ऊपर जाएं तो बहुत हद तक ये दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज को एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है ये स्टोरी किस तरीके से टर्न आउट होगी, अपने कमेंट्स जरूर करें।